आज तारीख हो चुकी है 23 अक्टूबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों का मैं बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर। दरअसल आज दोपहर 1:30 बजे से हमें भारत पाकिस्तान का यहाँ पर वर्ल्ड कप का मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर दोनों ही टीमों का इस वर्ल्ड कप का ये पहला मुकाबला होगा और दोनों ही टीमों के लिए काफी इंपोर्टेंट मुकाबला होगा, जहां पर इससे पहले यहाँ पर ग्रुप 1 में यहाँ पर इंग्लैंड इसके साथ न्यूजीलैंड की टीमों ने एक एक मुकाबला जीतकर यहाँ पर बढ़त बना लिया। तो आज यहाँ पर ग्रुप बी में अब जो भी टीम मुकाबला जीतेगी वो टीम बढ़त बना लेगी, इसके साथ ही सेमीफाइनल के लिए अपने आप को काफी मजबूत वो टीम कर सकती है। तो कुल मिलाकर आज इंपोर्टेंट मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए रहेगा। बस आप कमेंट करके बताइए कौन सी टीम को आज आप सपोर्ट कर रहे हो और कौन सी टीम को आप ये मुकाबला जितवा रहे हो। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आज के मुकाबले में बारिश के चांसेस को लेकर। दरअसल कल के दिन मेलबर्न में यहाँ पर एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी, जहाँ पर पिछले 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन कल के दिन यहाँ पर मेलबर्न में अब यहाँ पर सूरज भी निकला था, कोई भी बारिश नहीं हुई थी। तो आज भी यहाँ पर बारिश होने के चांसेस अब केवल 10% बचे। तो कुल मिलाकर आज यहाँ पर काफी अधिक चांसेस है, ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि बिना कोई ओवर खोए हमें यहाँ पर 20 ओवर का अब प्रॉपर भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आज भारत पाकिस्तान के बीच हमें प्रॉपर मुकाबला देखने को मिल सकता है, कंप्लीटली 20 ओवर का हमें मुकाबला देखने को मिल सकता है। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस मुकाबले की हाईलाइट फोटो सब कुछ हम पोस्ट करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को बिना किसी देर के ज्वाइन कर लो। हो सकता है कि हम वहां पर इस मुकाबले को लाइव स्ट्रीम भी कर दें। अगर आपके पास हॉटस्टार की यहाँ पर सब्सक्रिप्शन नहीं है या फिर टीवी पर आप मुकाबला नहीं देख पाते हो, तो शायद वहां पर इस मुकाबले को हम टेलीकास्ट भी कर दें। इसके साथ ही आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अगर बारिश भी हो जाती है तो आप कितने ओवर का ये मुकाबला देखना चाहोगे। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई की तरफ से। दरअसल ऑक्शन से पहले चेन्नई की टीम की चिंताएं बढ़ चुकी है, जहां पर चेन्नई की टीम ये प्लानिंग कर रही है कौन से प्लेयर्स को रिलीज किया जाए, कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया जाए। और इसी सिलसिले में कल इस टीम के यहाँ पर 2 खिलाड़ियों ने यहाँ पर वर्ल्ड कप की शुरुआती पहले मुकाबले में धमाका कर दिया, जहां पर इस टीम के विस्फोटक ओपनर ड्वेन कॉनवेन ने कल यहाँ पर 58 बॉलों में नाबाद 92 रन की पारी खेली, ऑस्ट्रेलिया को हराने में अहम भूमिका निभाई, जबकि मिचेल सेंटनर ने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट झटके। तो कुल मिलाकर चेन्नई की एक खिलाड़ी काफी अच्छी फॉर्म में, जहां पर सेंटनर का आईपीएल तो खराब रहा था, इस बेसिस पर चेन्नई की टीम इनको रिलीज करने को देख रही थी, लेकिन करंटली इनके अच्छे प्रदर्शन के बाद शायद चेन्नई की टीम इनको यहाँ पर रिलीज करने का विचार यहाँ पर हाल फिलहाल छोड़ दे। आप कमेंट करके बताइए क्या चेन्नई की टीम को इन दोनों खिलाड़ियों को यहाँ पर रिलीज करना चाहिए या फिर इनको रिटेन करना चाहिए। आप अपनी प्रेडिक्शन यहाँ पर नीचे कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है सैम करन की तरफ से। दरअसल सैम करन आईपीएल 2023 के ऑक्शन का भाग बनेंगे, ये पूरी तरीके से थे। पिछले साल अपने इंजरी के चलते आईपीएल का भाग नहीं बन पाए थे और इस साल तो ऑक्शन में ये काफी महंगी प्राइस में बिके, क्योंकि कल वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में इन्होंने यहाँ पर 3.4 ओवर में यहाँ पर केवल 10 रन देकर 5 विकेट झटके, जहाँ पर अफगानिस्तान के 5 बल्लेबाजों की इन्होंने छुट्टी कर दी, 5 बल्लेबाजों को काफी किफायती इन्होंने आउट कर दिया। तो सैम करन के इसी ऑलराउंडिंग प्रदर्शन के चलते हुए ऑक्शन में 10-12 करोड़ तो इजिली बटोर लेंगे। तो कुल मिलाकर सैम करन आज की तारीख में यहाँ पर काफी बड़े ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, कुल मिलाकर बेन स्टोक्स हार्दिक पांड्या के बराबर लेवल के ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। तो सैम करन अब ऑक्शन में एक बार फिर से काफी बड़े अमाउंट में बिकते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग 16 दिसंबर को कौन सी टीम सैम करन को परचेस करेगी, किस अमाउंट में आखिर इनको परचेस किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई और पंजाब की तरफ से। दरअसल चेन्नई और पंजाब की टीम में ऑक्शन में यहाँ पर एक खिलाड़ी को लेकर काफी अधिक लड़ सकती है, काफी अधिक इस खिलाड़ी पर ये टीमें बिड कर सकती है, जहां पर दोनों ही टीमें बेन स्टोक्स को टारगेट कर रही है। हालांकि पंजाब की टीम तो बेन स्टोक्स को यहाँ पर कैप्टनसी ऑप्शन के रूप में भी यहाँ पर देख रही है, इसके साथ ही चेन्नई की टीम ने तो यहाँ पर कैमरॉन ग्रीन को टारगेट करने का फैसला रखा है। लेकिन अगर कैमरॉन ग्रीन इस टीम को ऑप्शन में नहीं मिल पाते या फिर पहले बेन स्टोक्स का नाम आता है, तो शायद बेन स्टोक्स को ये टीम यहाँ परचेस करने को देख रही है। अगर
कैमरून ग्रीन नहीं मिलते हैं तो बेन स्टोक्स को ये टीम वैसे भी परचेस करेगी, और अगर ऑक्शन में पहले ही बेन स्टोक्स का नाम आ जाए तो शायद इनके पीछे ये टीम हमें दिखे। तो कुल मिलाकर इस वजह से पंजाब और यहाँ पर चेन्नई के बीच ऑक्शन में बेन स्टोक्स को लेकर एक बड़ी यहाँ पर लड़ाई या फिर बड़ी भिड़ंत हमें देखने को मिल सकती है। आप कमेंट करके बताइए आप बेन स्टोक्स को दोनों टीमों में से आखिर कौन सी टीम में देखना चाहते हो। बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है रविंद्र जडेजा की तरफ से। दरअसल रविंद्र जडेजा को चेन्नई की टीम यहाँ पर मनाने का प्रयास कर रही है, चेन्नई में ही यहाँ पर रिटेन रह जाए, लेकिन इसके बाद जडेजा ने कल यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम या फिर अब अपने फेसबुक और अपने यहाँ पर ट्विटर सोशल मीडिया सभी अकाउंट्स पर एक फोटो पोस्ट करी, और फोटो के कैप्शन में उन्होंने यहाँ पर स्वाभिमान लिखा है। तो कुल मिलाकर इनका यहाँ पर स्वाभिमान यहाँ पर हर्ट हुआ, इसी वजह से ये चेन्नई को यहाँ पर छोड़ रहे। कुल मिलाकर इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर ये कैप्शन लिखकर ये हिंट दे दिया है कि यहाँ पर चेन्नई को ये छोड़ेंगे, अब चेन्नई में ये कंटिन्यू नहीं रहेंगे। जहाँ पर इनसे कप्तानी छिन्ना, यहाँ पर इनका स्वाभिमान को यहाँ पर ठेस पहुंची, इसी वजह से अब ये चेन्नई को छोड़ रहा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या जडेजा का चेन्नई को छोड़ने वाला ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वह थी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से। दरअसल ऑस्ट्रेलियन टीम को कल यहाँ पर एक बड़ी हार मिली न्यूजीलैंड के हाथ, उनको काफ़ी बड़ी हार मिली। इस बड़ी हार से अब -4.1 यहाँ पर इनका नेट रन रेट हो चुका है, इस नेट रन रेट से इनके लिए रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। अब ये टीम सेमीफाइनल में तभी जा पाएगी जब ये टीम अपने बचे हुए सभी मुकाबले यहाँ पर जीतती है, तभी शायद ये टीम सेमीफाइनल में जा पाए। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए समस्याएं बढ़ चुकी है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या ऑस्ट्रेलिया यहाँ से भी कमबैक करके सेमीफाइनल में आखिर जा पाएगी या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है दिनेश कार्तिक की तरफ से। दरअसल दिनेश कार्तिक ने अपने कमबैक का यहाँ पर रोहित शर्मा को काफ़ी बड़ा क्रेडिट दिया। इन्होंने बताया कि रोहित शर्मा ने इनको सपोर्ट किया, रोहित शर्मा इनकी साइड खड़े रहे, इसी वजह से कार्तिक ने इस एज में कमबैक किया। जिस एज में यहाँ पर क्रिकेट रिटायरमेंट की प्लानिंग करते उस एज में यहाँ पर कार्तिक ने कमबैक किया। वैसे आप कमेंट करके बताइए कमबैक के बाद आखिर कार्तिक का टीम इंडिया के लिए अच्छा वर्ल्ड कप रहेगा या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।